दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि अगला वीडियो हमारा शुभम श्रीवास्तव भाई साहब के साथ होगा, पहले आप इनसे परिचय लेते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैं उत्तर प्रदेश बस्ती जिले का रहने वाला हूँ। तो बस्ती जिले से हैं, बस्ती जिले से कई लोग हैं यहाँ पे। आप ये बताइए, आपकी आपने तैयारी कैसे की, आपका सफर कैसा रहा और कैसे यहाँ तक पहुँचे? तैयारी मैंने कैसे की ये तो बहुत लोग बताए हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए आपने क्यों किया। कोई भी काम करने के लिए उसका मोटिवेशन होना जो जरूरी है, बिल्कुल, और क्यों करें वो काम ये भी जरूरी है। क्योंकि अगर ये पता ही नहीं रहेगा आपको कि क्यों करना है मुझे, तो रास्ते तो अपने आप मिल जाते हैं, लेकिन करना क्यों ये पहले डिसाइड होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात। तो मेरी लाइफ का वजह तो मैं आपको बहुत डीपली नहीं बता सकता हूँ, बस इतना बता सकता हूँ, मोटा मोटी कुछ समझाएं कि मैं अपनी वजह बता रहा हूँ आपको कि मतलब मैं क्यों इस जॉब को पाने के लिए तैयारी किया, स्टार्ट क्यों किया। मैंने इसलिए तैयारी किया क्योंकि मेरी मम्मी का एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। तो मेरी मम्मी का सपना था कि मैं एक दिन गवर्नमेंट जॉब करूँ। अच्छा। इस वजह से मम्मी के रहते हुए ही CBT 1 का एग्ज़ाम मैंने दिया था। अच्छा। और उस वक्त मम्मी मेरी मोटिवेट भी करती थी उसके लिए। अच्छा। और पढ़ाई के लिए आप जैसा पूछ रहे हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो मैं किसी से, मुझे कोई बताया नहीं किसी ने कि ये करो ये मत करो ऐसा करो वैसा मत करो, मैंने खुद ही सब खोजा है। जैसे कि मैंने यूट्यूब से खोजा था, तो साहिल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वाईफाई स्टडी, करंट अफेयर्स भी वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, और मतलब सारे सब्जेक्ट बढ़िया पढ़ाए जाते हैं, कुछ साइंस शायद उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं वो, लेकिन मैथ और करंट अफेयर बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा। तो आपने माता जी का सपना जो देखा था वो पूरा हुआ। मैं और CBT 2 में मेरी माँ का मतलब एक्सपायर हो गई थी उसी वक्त, CBT 2 का एग्ज़ाम भी था, उसी वजह से मैं, बहुत कठिन समय रहा होगा आपके लिए। हाँ, कठिन समय, बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन यह दुख और दोनों का कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से प्रॉब्लम, मतलब एक तरफ दुख भी था एक तरफ जुनून भी था कि हमें निकालना है। सही। बहुत भाई आप क्या बोले, बड़े दिल के हैं या अच्छे दिल के हैं, आपने सपना पूरा किया। आप ऐसा लोग बहुत कम ही कर पाते हैं, और जो जुनून ठान लेते हैं वो कर भी ले जाते हैं। तो आप ये बताइए कि फिर उसके आस पड़ोस के जो थे क्या सोचते थे आपके बारे में, क्या उनका विचार क्या था आपके प्रति, नज़रिया क्या था? नज़रिया मैं शुरू से ही मतलब एवरेज पढ़ाई में था, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, लेकिन और भी आसपास के मोहल्ले वाले और मेरे खासकर पड़ोस में जो थे, एक लड़का था तो वो उनसे बहुत जलता भी था इस मामले में कि मैं पढ़ने में ठीक हूँ, और वो भी पढ़ाई करता था, लेकिन उसका आज तक कभी निकल नहीं पाया। तो जब मेरा निकला, ऐसा नहीं मैं उससे कंपेयरिंग कर रहा हूँ, मैं न किसी को नीचा गिराना चाह रहा हूँ, और ना ही नीचा गिराना चाहिए किसी को, बस ये है अपना आप काम करते रहिए और पढ़ते रहिए, किसी से जलन भावना ना रखें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन, मतलब तुक्के से हो जाए बात अलग है, लेकिन मुश्किल ही है होना। तो कुछ सजेशन देना चाहेंगे दर्शकों को, हमारे भाइयों को, कि वो समय कुछ दूसरा था 2018 में, ये समय कुछ बदल गया है। अब हर चीज़ उपलब्ध है, हर हाथ में मोबाइल है और हर हाथ में डाटा है, तो कैसे पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ना बेहतर रहेगा या ऑफलाइन पढ़ना बेहतर रहेगा इस जॉब के लिए? हाँ, LLP के लिए सारे जो लोग हैं, लेकिन CBT 1 तो क्वालिफाई नेचर है, उसमें मैथ साइंस रीजनिंग ये सब आते हैं, तो मैथ के लिए तो आपको मैंने बता ही दिया वाईफाई स्टडी बेस्ट है, लेकिन यही नहीं है कि वाईफाई स्टडी से आप पढ़ के निकाल सकते हैं, केवल वही नहीं, आप दो ही ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए आपको यूट्यूब कोई भी चैनल आप पकड़िए, पहला नंबर तो एक ही टीचर से आप पढ़िए बस, हाँ ये काम है। और दूसरी बात, तो आप मैथ में कोई भी बुक लीजिए, खासकर कौन सी आप बता रहे थे, एक बार बता रहे थे, RS यादव सर थे, RS यादव, सही कह रहे हैं आप, RS यादव की बुक जो है वो भी बहुत अच्छी बुक है। मैंने एक्चुअली 2-3 बुक से पढ़ा हुआ है मैथ की, दो तीन बुक को सॉल्व भी किया है, तो उससे जो है मैंने मैथ की तैयारी की है। साइंस के लिए जो लूसेंट की बुक है उससे भी आप पढ़ सकते हैं, हाई स्कूल की जो बुक है उससे भी पढ़ सकते हैं, और खासकर ITI जो है, ITI बुक की बुक है जो, उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन है सिलेबस में, CBT 2 में, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, वो ITI की बुक में ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा। इसलिए बहुत से बच्चे फेंक देते हैं ITI करने के बाद किताब। मैंने एक लड़के से जबकि मांग लाया था, मैं ITI कभी किया नहीं हूँ, जब मैं डिप्लोमा किया हूँ। अच्छा। तो गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा था आपका गवर्नमेंट कॉलेज? गोंडा। अच्छा, आप गोरा गोंडा से हैं, पॉलिटेक्निक। और ये ट्रेड के बारे में कुछ है नॉलेज आपको, ट्रेड की पढ़ाई कहाँ से करें, कौन सी बुक से पढ़ें?
ट्रेड की बुक तो इलेक्ट्रॉनिक्स की, हाँ किसी की बता दीजिए जो आपको पता हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो अपनी ही बुक बेस्ट है। बेस्ट है बुक से एक चीज है, अगर टेक्निकल तैयारी करनी है तो उससे सबसे अच्छी बुक है मतलब अपनी बुक जो आपने डिप्लोमा या आईटीआई में पढ़ी हुई है। कोई भी कोई भी मतलब यूट्यूब चैनल बहुत डिटेल में उस चीज को बता नहीं सकता, जितना मुझे जहाँ तक लग रहा है मैंने पढ़ाई की है, तो उसको आपको ऑफलाइन ही मैक्स मतलब मेरे हिसाब से सही पड़ेगा। अच्छा आप ये बताइए, आप एसटी या मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं वो देते थे? जी बिल्कुल, शुरू से देते थे या बीच में कहीं? मैंने लास्ट में लिया। अच्छा वही क्लियर करना जरूरी है, मैं पहले कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करता था उसके बाद मैं टेस्ट देता था। अच्छा बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करे अगर आप टेस्ट देंगे तो आपका मार्क जीरो आएगा। आपको पता होना चाहिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो तब तो आप एग्जाम देंगे। ये भी तो है, कुछ बच्चों का समय रहता मैं कितने महीने पढ़ाई करूँ कि मैं एलपी बन जाऊँ, ये मैं पूछना भूल गया था। ये चीज मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए। 6 मंथ है मिनिमम? 6 मंथ तो अभी तो है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 8 महीने लगेंगे अगर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखा जाए तो अगर बच्चे आज से स्टार्ट करते हैं तो उनको 8 महीने मिल जाएगा। बिल्कुल दिसंबर में, दिसंबर जनवरी में हो सकता है आए, उसके 2-3-4 महीने बाद ही पेपर होता है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो अगर आज से आप 8 वीडियो देख रहे हैं, अगर आज से आप तैयारी शुरू करते हैं और मन से करते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बिल्कुल। और कुछ बताना चाहेंगे? ऑफलाइन आपने ऑफलाइन पढ़ा या कुछ बच्चे जैसे जाते हैं प्रयागराज जाते हैं हमारे जो है कानपुर में? मैंने केवल साइको की तैयारी करने के लिए थर्ड एग्जाम जो था उसके लिए मैं गया था बिहार। अच्छा। और बिहार में मैं केवल 2 दिन था, पैसा भी मैंने वहाँ पे दे दिया था, जमा कर दिया था, लेकिन 2 दिन के बाद मैं 3रे दिन घर आ गया था क्योंकि मुझे पता था, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, मैं मुझे एक लैपटॉप मैंने घर पे आया लिया या कंप्यूटर जो भी आप बोले, उसके बाद मैंने एक प्रैक्टिस सेट खरीदा ऑनलाइन, उसका वेबसाइट तो अभी मुझे भूल गया है, बाद में याद आएगा तो बता दूंगा। उसके बाद मैंने उसको खुद ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। अच्छा। मैं किसी की हेल्प नहीं किया, लेकिन हाँ वाईफाई स्टडी एक ऐसा चैनल है जो इस मामले में भी उसने हेल्प किया। मैं साइको के एग्जाम में। अच्छा, मैं, आपने भी किया? नहीं साइको के लिए नहीं किया था, लेकिन मैं साहिल खंडेलवाल सर से मैथ बहुत बढ़िया पढ़ा, बहुत बेहतरीन मैथ है, ये तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। कोई जरूरी नहीं है, एक चीज और आपको हो सकता है प्लेलिस्ट मिले, प्लेलिस्ट आपको पूरा एकदम स्टार्टिंग से नहीं मिले, कोई जरूरी नहीं एएलपी के लिए ही मिले, कोई भी मैथ कोई भी जैसे मान लीजिए एसएससी के लिए पढ़ा रहे हैं तो कोई जरूरी थोड़ी ना है, वो तो आप अपने लिए भी पढ़ सकते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्लेलिस्ट में केवल एसएससी पढ़ा हुआ है, ये सीजीएल पढ़ा हुआ है, आप पढ़ाई करें। बिल्कुल वही है, वही टॉपिक तो वही है सारे। और कुछ मोटिवेशन देना चाहते हैं बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए कि वो यहाँ पे आए और जहाँ आप बैठे हैं कल वो बैठे? भाई देखिए मैं यही इतना कहना चाहता हूँ कि पढ़िए और आप पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए मुझे करना क्यों सबसे बनाना, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोला था। और दूसरी बात, यहाँ आने के बाद दूसरों को नीचा गिराने के लिए मत पढ़िएगा, या जॉब पानी जाएगा तो अपने दूसरों को नीचा, बस सर्वाइव करने के लिए, एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए, इसलिए आप पढ़िए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कुछ मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि आजकल सब लोगों का ये बन गया कि जो सरकारी होते हैं वो दूसरों को बुरी नज़र से देखते हैं, तो यही है ना, बिल्कुल आज मैं बना हूँ कल आप बनेंगे, तो यार अगर नहीं ये भी बनता है वो भी सर्वाइव कर रहा है, मैं भी सर्वाइव कर रहा हूँ, तो ये चैन हम ही आपको तोड़नी है, जो ये निगेटिविटी सरकारी कर्मचारियों के प्रति फैली हुई है इसको आपको और हमको मिलकर तोड़ना है। हम भाई लोग तो स्टार्ट कर दिए हैं, अब आपकी बारी है। हाँ एक क्वेश्चन था कि कमेंट आया था कि सर आप बोलते हैं कि इसमें बहुत कठिनाइयां हैं, ये है वो है एलपी के एग्जाम में, क्या क्या कठिनाइयां पहले बता दो नहीं तो आदमी ना आए, तो क्या ऐसा भी हो सकता है किसी को एग्जाम मिले फिर चला जाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, जो एग्ज़ाम इतना 3-3 एग्ज़ाम क्लियर करके आया है, पहला नंबर तो आपका ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग पीरियड में जो 3 एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है इतने बड़े बड़े एग्जाम वो तो नॉर्मल एग्जाम है, बस केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना भी होगा, ऐसा नहीं पूरी तरीके से इग्नोर करना है, और उसके बाद आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका इंडिपेंडेंट जब ड्यूटी होगा तो उसमें प्रॉब्लम बस इतना ही है कि आपकी जो डेली रूटीन है वो चेंज, उसमें प्रॉब्लम मतलब चेंज है। आपको ये समझिए कि कभी भी आप ये कभी भी मतलब ये ना सोच लीजिए कि अभी आप ड्यूटी से आए तो फिर आपको बुला लें। हाँ। आप ड्यूटी से आए उसके बाद 16 घंटे तो आपको गैप मिलेगा मिनिमम, हो सकता है 1 दिन भी मिल जाए, उसके बाद 2 दिन भी मिल जाए, लेकिन जब आपको कॉल आएगी तो आपको जाना पड़ेगा, बस एक दिक्कत ये है, और बाकी जीवन में इतना आनंद है एएलपी में कि आप पूछिए नहीं, तो आप तैयारी शुरू करिए, इस फील्ड में आइए, और दिक्कत तो हर जगह है, दिक्कत आप घर में, माइनस हर जगह, हाँ दिक्कत आप घर में है तो भी आपको दिक्कत है, अभी आप प्रचंड में जहाँ होंगे वहाँ भी दिक्कतें होंगी, तो दिक्कतों से निपटना है और थोड़ा आगे बढ़ना है। आपकी शिक्षा आपको शिक्षित इसीलिए किया जा रहा है
कि आपके घर वाले यही चाहते हैं मेरा बेटा पढ़े लिखे या बेटी पढ़े लिखे और थोड़ा आगे बढ़े, तो हमारी जिम्मेदारी, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि अच्छी थिंकिंग अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें, सबकी मदद करते रहें और एक अच्छा इंसान बने। थैंक यू भाई सिंह, अगले वीडियो में किसी और से मिलते हैं, धन्यवाद।